नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध के सदर और साबका वफाकी वज़ीर पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशदी ने खैरपुर में लायर्स फोरम सिंध के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट इरशाद धारे जो के वालिद खान ममन धारे जो के इंतकाल पर ताज़ियत की। बाद में मीडिया से खुसूसी बातचीत करते हुए सैयद सदरुद्दीन शाह ने कहा कि मुल्क में आज महंगाई का कोई मसला नहीं, मैशत शुरू से ही ख़राब है। हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और मसाइल का मुकाबला करने के लिए इकट्ठे होंगे। उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं हुई, आज की तो है नहीं। असल मसला है कि हम लोगों की मैशत का बुरा हाल होता रहे और इसको वक्त लगा है इस जगह पहुंचने में। तो आप लोगों को, हम लोगों को बाकायदा बिल्कुल नौजवानों को हिम्मत करनी पड़ेगी और इस चीज़ से इंशाल्लाह निकल आएंगे बाहर, क्योंकि जो कौम बन जाती है एक दफ़ा तो वो हर मुश्किल को फेस करने के लिए, मुंह देने के लिए बाकायदा तैयार होती है। हमें इंशाल्लाह कौम बन के इसको मुंह भी देंगे और सबके लिए आसानियां भी पैदा करेंगे और ये महंगाई से भी लड़ेंगे। अल्लाह करेगा बेहतर अंदाज से आगे माहौल को हम सब साथ मिल के ले कर चलेंगे। तो क़यादत नौजवान जेके भी हाने वोट देण जो हक रखन था वो जड़ी फैसलो कंदा तो क़यादत इंशाल्लाह उभरी सामूँ अची वेंदी। को भी लीडर अवामी लीडर थी या अगते आयो तो मुल्क जी तहां जी असां जी सलामती यकीनी थी वन। दूसरी जानिब मखदूम अकील हैदर शाह के भतीजे मोहम्मद हैदर शाह के इंतकाल पर भी सैयद अकील हैदर शाह के साथ ताजियत की। इस मौके पर आसिफ इरशाद धारे जो, हाजी इमाम बख्श फुलपोटरो, डॉक्टर प्यारो खान फुलपोटरो और दीगर मौजूद थे। फॉर मोर वीडियोस, ऑडियोस एंड प्रिंट मटेरियल विजिट अवर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। यू कैन आल्सो विजिट अवर फेसबुक अकाउंट फ्रॉम योर ओन पर्सनल फेसबुक अकाउंट। सो विजिट नाउ अवर चैनल उर्दू सिंधी नेटवर्क।